इश्क पर उम्र का क्या असर पड़ता है, बुढ़ापे में तो इश्क परवान चढ़ता है। एक बुजुर्ग अम्मा जी देना चाहती है अपने बॉयफ्रेंड को तोहफा। अब इनके बुढ़ापे का गिफ्ट कैसा होगा, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम जैमी एंड तड़का पूर्वी एज ओल्ड लेडीज एंड मंत्रा एज अ सेल्समैन। भाई मजा आ गया, मजा आ गया। अरे भाई ये गाना जो है अरबाज ने फेमस किया था, अपनी फिल्म में भी वो पोल पे था, आज हम भी पोल पे थे और वो भी मस्त है, हम भी आज मस्ती मस्त है। आज रोमांस स्पेशल थीम है दीदी, मेरे बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदने जाना है। बड़ी नटखट बुढ़िया है। अरे भाई नेकी और पूछ पूछ, यहीं पे दुकान है, आज देख लेते हैं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अरे भाई कोई है दुकान में? अरे भाई कोई है या फिर चोरी शुरू कर दे? जाओ निकल जाओ। मैं दुकानदार, आप कौन? अच्छा दुकान वाले तुम हो? हाँ तो भैया ये बोलो उसे क्या चाहिए। हाय माय सेल्फ बुड्ढी। बुड्ढी? हाँ माय सेल्फ आल्सो बुड्ढी। पर आप दोनों में से बुड्ढी, आई मीन से बड्डी कौन है? हम दोनों ही हैं। वो कैसे? ये मेरे से बड़ी, मैं इससे बड़ी। माता तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे क्या हुआ है, इनकी तबीयत ठीक है? ये बुड्ढी हाँफ क्यों रही है? अरे अभी अभी फॉर्म भर करके आई हूँ ना। हाँ तो फॉर्म भरने से क्या होता है? अरे फॉर्म भरने से सबको लगता है कि बुड्ढी एकदम चकाचक फॉर्म में है। ये कैसी बातें कर रेली हो तुम दोनों? अरे अपने सर के बालों के कलर के बारे में कुछ तो सोचो, अपनी उम्र देखी तुमने? अरे उम्र की क्या बात कर रहे हो, अरे हम तो खजुराव गए थे और फिर रिक्वेस्ट करके हमको वापस बुला दिया वहाँ पे। क्योंकि लोग मूर्तियों को नहीं हमें देख रहे थे, क्योंकि तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त। अरे अरे बंद करो यार, आप मुझे बता सकती हैं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, वरना मैं जाऊँ? जिल्लाही मुझे अपनी बाह में ले लो, वैसे भी मेरी उम्र ही क्या है, 80 साल और 10 मन की चिता लकड़ी मिलाकर पूरे 100 साल की ओवर एक्टिंग कर रही है ये। ए, तू माजी सिस्टर ची इंस्टॉल केली, तुझा वड़ा पाव तोडून टाकेल, तुझा कांदा भजिया फोडून टाकेल, तुझा झुणका भाकर मधी ढाकचिक ढाकचिक ढाकची तुझी आईचा। एक काम कर, मुझे जरा कुछ सामान दिखा दे। हाँ। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना है जिससे वो खुश हो जाएगा। हाँ। समझ रेला ना तू? समझ रेला हूँ मैं, अगर तेरे को तेरे बॉयफ्रेंड को कुछ अच्छा ही गिफ्ट करना है ना, तो एक रन टॉप सी गर्लफ्रेंड गिफ्ट कर दे उसे। ए, तभी से बात कर, मैं भी कोई गिफ्ट देने वाली चीज हूँ। अरे तुम दोनों निकल रही हो कि मैं तुम्हें अभी ना, हम ना पुलिस को बुला देंगे। ये देख रहे हैं आप, एक अपने बॉयफ्रेंड को बुला रही है, दूसरे पुलिस को बुला रही है, इन्होंने तो अपना खुद का इंतजाम कर रखा है। व्हाट डू यू मीन? जास्ती बात मत कर, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट दिखा वरना दूंगी एक चम्मच। अच्छा बता, तेरे दुकान में लिपस्टिक है? लिपस्टिक है? लिपस्टिक नहीं, नेल पॉलिश है, पोतले अपने होठों के ऊपर। पागल है, अच्छा लगेगा? मैं होठों पे नेल पॉलिश लगाऊंगी? अरे तेरी जो उम्र हो रही है ना, तेरे होठ इतने कड़क हो गए ना, अखरोट केवल होठों से तोड़ ले तू, उसके ऊपर नेल पॉलिश लगेगी। सही है, तभी तो एरिया के लड़के कहते हैं कि भाई देखो क्या कड़क माल जा रही है। भाई हम तो खामखा अपने पल्लू सीधा करते रहते हैं, जिस दिन हमने अपने जवानी की बातें कह दी ना, ये तो हमको वहीं पे 10-10 दे देंगे। अच्छा भाई ये बताओ, तुम्हारे पास टेडी बेयर है? नहीं, केवल टेडी है। क्यों? क्योंकि बियर तो सारी की सारी अर्चना पी गई। तुम्हारी दुकान में ये फोटो फ्रेम बड़ा अच्छा लग रहा है ना, बहुत बढ़िया ना? कितने का है? 25,000। हाँ इतना महंगा? हाँ हाँ, तो क्या है ना कि ये केवल फोटो फ्रेम नहीं है, इसके साथ में आपको 3 रातें और 4 दिन गोवा में फ्री मिल रहे हैं। अच्छा, हाँ। मैं क्या कह रही हूँ कि दिन का जाने दे, हमारी रातें बढ़वा दो। क्यों, क्या कर लोगी रातों को? अरे भाई डॉक्टर ने कहा है कि कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। तुम्हें करना ही क्या, तुम 12 घंटे सो? अरे डॉक्टर की बीवी आटा पकती है ना सुबह सुबह। मेरे को एक बात बताओ बुढ़ियों, तुम्हें इस उम्र में बॉयफ्रेंड मिल कैसे गया यार? अब क्या है ना, जब आइटम चुंबक हो तो लोहा अपने आप चिपक ही जाता है। Tell me one thing, honey. अरे माता, I am not your honey. अरे इस उम्र में होनी को कौन टाल सकता है, यो होनी सिंह। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? Do I look like Katrina Kaif?
कटरीना कैफ, अरे अपनी शक्ल देखी आईने में बुड्ढी। अच्छा, कटरीना के लिए शक्ल भी होना जरूरी होता है? मुझे लगा सिर्फ ठुमके से ही काम चल जाएगा। वैसे मेरे ठुमकों का कोई जवाब नहीं। अरे एक बार छड़ी छीन के देखो, फिर कभी हिले यूपी, कभी हिले पटना, साइड में हटना वरना हो जाएगी दुर्घटना। I think I should struggle in Bollywood, baby. अरे तू गिफ्ट ले और निकल यहाँ से, नहीं तो मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। वैसे तू भी बड़ा रैपचिक लगता है। हमारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलेगा? लॉन्ग ड्राइव पे चलेगा? पैदल आइयो, लॉन्ग ड्राइव के लिए गाड़ी कहाँ है? अरे सिर्फ लॉन्ग खाओ और चलते चलो, पैरों के साथ साथ दांत भी स्वस्थ रहते हैं। मैं कहाँ फंस गया, पागल हो गई ये दोनों बुढ़िया। वैसे तू बड़ा स्मार्ट लग रहा है, तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जा। बुढ़िया, अरे उम्र देख, अरे मैं और तेरा बॉयफ्रेंड? कह दे जब मैं तेरे पास आती हूँ तो तुझे कुछ नहीं होता। ये जो भी होता बहुत गंदा होता है, कुछ नहीं होता। कह दे जब मैं तुझे छूती हूँ तो तुझे कुछ नहीं होता। बुढ़िया आ रही है मेरे को। अरे बधाई हो, तू माँ बन गया है। अरे पागल, निकलो निकलो तुम दोनों बुढ़ियों यहाँ से। अरे तुझे तो चूमने का मन कर रहा है। दूर से पप्पी दे दे। अरे दूर की किस थोड़ी वीक है, दूर की किस में मोतिया बिंद है ना। देखो बुढ़ियों, सच्ची बता देता हूँ मैं तुम दोनों को, मैं दुकानदार नहीं हूँ। अरे मैं तो यहाँ चोरी करने आया था, चोरी करके चला जाता हूँ आप लोग। तो तू चोर है? हाँ मैं चोर हूँ। और मैं पुलिस। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं इंस्पेक्टर हूँ और ये मेरी असिस्टेंट। खूबसूरत पुलिस वालियाँ। मुझे बचपन से ही पुलिस बनना था। मेरी भी एक बहन थी, उसे भी बचपन से पुलिस बनना था, पर बबली तो कुंभ के मेले में खो गई थी। अनिल? नहीं। अच्छा, दिलीप? नहीं। सनी? नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, वो मूवी नहीं है ना एक्ट के अंदर, तो मैंने सोचा थोड़ा मिमिक्री करके फिल इन कर दूं। अच्छा रवि, विजय, राजेश कौन हो तुम? अबे तेरे कितने भाई खो गए थे कुंभ के मेले में। मुझे लगता है मुझे मेरा भाई कभी नहीं मिलेगा। वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? दीना। दीना माँ का दीना या बहन का दीना? अबे विजय, दीना ना चौहान। दीना, मैं शीतल, तुम्हारी शी। कौन? अरे याद है जब मैं कुंभ के मेले में अपने भाई को ढूंढ रही थी, तुमने मुझे सहारा दिया था। शी? मैं तुम्हारा ही। तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी बस तुम ही हो। तुम शी हो, तुम शी हो, मेरी आशिकी अब तुम शी हो। तुम शी हो, तुम ही हो, तुम शी हो, तुम ही हो, आशिकी बस तुम शी हो। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ही हो, तुम शी हो, तुम शी हो, तुम ही हो, तो मैं कौन हूँ? अचनारबाज, तुम दोनों अस होके हमें स्कोर्स दे दो। चलिए देखते हैं हमारे जजेस का क्या कहना है इसके बारे में। आर्ची, I love the ending. Ending में क्या हुआ? I don't know, but it was suddenly the ending was mad, totally mad. और ये he और she और जो भी किया आपने end में किया, और end बहुत अच्छा था। अरबाज, इस पूरे act में I had a smile on my face. Overall, writing and performance was very good. I liked it. I thought it was a very cute act. And Jammy, well done. Very good. Archie, how many points will you give? 9 points from Archie and 9 points from Arbaaz.